हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंस्टाग्राम हिंदी पर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप किस तरीके से अपने रील्स की क्वालिटी अच्छी कर सकते हो। जब भी आप अच्छी क्वालिटी में रील्स बनाते हो और जब आप उसको अपलोड करते हो, अपलोड करने के बाद देखते हो कि वो क्वालिटी वीडियो की ख़राब हो जाती है। वो क्यों ख़राब होती है? क्योंकि आपकी इंस्टाग्राम से ही सेटिंग गड़बड़ होती है। आज मैं वो सेटिंग बताऊंगा इंस्टाग्राम पे, जिसको अगर आप ऑन कर लोगे तो आपकी रील्स क्वालिटी बेटर रहेगी। जिस क्वालिटी में बनाओगे उसी क्वालिटी में रील्स अपलोड होगी, क्वालिटी उसकी ख़राब नहीं होगी। क्योंकि अक्सर इंस्टाग्राम पर ऐसा होता ही है, जैसे हम अच्छी क्वालिटी का वीडियो बनाते हैं रील्स और अपलोड करते हैं, वैसे उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाता है, क्योंकि एक सेटिंग हम लोग ऑन नहीं किए रहते हैं। आज वो सेटिंग आपको बताऊंगा इंस्टाग्राम पर। अगर वो सेटिंग आप ऑन कर लोगे तो आपकी सारी इंस्टाग्राम रील्स की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, HD में हो जाएगी और आपके व्यूज़ अच्छे आएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं वो सेटिंग कौन सा है। जैसे आप रील्स को अपलोड कर देते हो, जहाँ पर हैशटैग वैशटैग लिखते हो उस पेज पे आते हो, जैसे कि यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, जहाँ पर हैशटैग वैशटैग लिखने वाले पेज पे आते हो, उसके नीचे सबसे नीचे एकदम आपको एक एडवांस सेटिंग नज़र आती है। उस एडवांस सेटिंग पर जैसे ही क्लिक करते हो, एकदम नीचे साइड आपको नज़र आता है अपलोड क्वालिटी, वो सबका ऑफ रहता है, उसको आपको इनेबल कर देना है। जैसे आप इनेबल कर दोगे तो आपकी रील्स क्वालिटी अच्छे क्वालिटी अपलोड होगी। जिस क्वालिटी बनाओगे उसी क्वालिटी पर अपलोड होगी और आपकी रील्स क्वालिटी ख़राब नहीं होगी। तो आई होप दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। क्या ये इन्फॉर्मेशन आपको पता था? कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा अगर कोई अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस तरह से इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। अब मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है, यूजर स्क्रीन पर दिख रहा है, फॉलो कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।